से बात करेंगे कि आखिर उनको क्यों लग रहा है कि अब बहुजन समाज को खासकर SC ST OBC माइनॉरिटी को सड़कों पर निकलना चाहिए। सर क्यों हमें ऐसा लग रहा है कि अब बहुत सर हमारा निकाल रही है? क्योंकि जहाँ तक हमारा अनुमान है ये सरकार जो है मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ पर जो इलेक्शन है अक्टूबर में, उसके साथ साथ पार्लियामेंट्री इलेक्शन भी। दूसरी ये है कि जिस तरह की दमन की राजनीति और इलेक्शन के पहले मनोबल तोड़ने की जो राजनीति और एक डराने की जो राजनीति चली है, उसके खिलाफ तरीके से आवाज़ उठाना जरूरी है। कई कार्यकर्ताओं को जो है वो पुलिस स्टेशन में बुलाती है, दो दो तीन तीन चार चार घंटा उठाती है, उनके सवाल करती है, जो नक्सलवादी इलाके जो है उनसे कहती है कि आपका नक्सलवादियों के क्या संबंध है, जो नक्सलवादी इलाके के बाहर है वहाँ पर वो पूछिए कि आप क्यों ये आंदोलन कर रहे हो, आपकी वजह क्या है, आपको डर नहीं लगता, आप और उन तरीके से डराने के बाद पहुँचे। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि भी आपको बरी कर दो, छोड़ दो, बेल मिल गई, लेकिन हम कोर्ट को भी मानेंगे नहीं, अपनी मनमानी चलाएंगे, उनको जो है रास्ता अरेस्ट किया। तो ये एक डेमोन्स्ट्रेशन है कार्यकर्ताओं के लिए, लोगों के लिए कि भैया आप कहीं भी करो, हमको जो चाहे वो हम करेंगे। ये जो मनमानी की बात है। तीसरा जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर लागू होना चाहिए, मतलब जो अमीर हो गए हैं, जिनकी परिस्थिति अच्छी हो गई है या जिनकी सालाना 4 लाख की इनकम हो चुकी है, उनको रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए, ऐसा जो एक पिटीशन दायर किया हुआ और उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर दिया और सरकार को कहा है कि आप अपनी बात रखी है। तो एक ये जैसी ये घटना है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से, संविधान के माध्यम से रिजर्वेशन एंड प्रमोशन को मान्यता मिली, सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि ये जो रिजर्वेशन एंड प्रमोशन के जो क्लॉजेज है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये ना कहते हुए यही कह दिया कि भी आपको रिजर्वेशन नहीं मिल सकता है। और जितने लोगों को रिजर्वेशन मिला था उनको आज डिमोशन कर दिया। अकेले उत्तर प्रदेश की बात करूँ तो 1,10,000 लोगों को प्रमोशन मिला था, उनको आज डिमोशन, मतलब जो सुपरिटेंडिंग इंजीनियर था वो आज डेप्यूटी इंजीनियर, पुलिस के थाने का जो प्रमुख था आज उसको लौटना। तो ये जो पानी बनाने की जो बात यहाँ पर साजिश चल रही है उसके खिलाफ हम लोग लड़ने की बात कर रहे हैं और संविधान बदलने की चर्चा तो यहाँ पर आई। हेगड़े जी जो मंत्री है केंद्र सरकार ने, उसने कहा कि हमारा एक ही मकसद है कि संविधान बदलना, इसलिए हम लोग उनसे ये कह रहे हैं कि संविधान बचाना और संविधान को धर्मों में लागू करना ये अपनी एक जिम्मेदारी होनी चाहिए और वो जिम्मेदारी अदा करने के लिए समान जो है अम्बेडकर वादी मानवतावादी जंतर मंत्र के आंदोलन में सहयोगी होनी चाहिए। सर संविधान आपको सही में लगता है कि बीजेपी की जो सरकार है, नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, उस सरकार से संविधान को खतरा है? जबकि राष्ट्रपति दलित है, ठीक है, ये रबस्ट है, इसके पास 2001 अटल बिहारी वाजपेयी जो प्राइम मिनिस्टर थे और रिव्यू कमेटी जो हुई और तब हमने अटल बिहारी वाजपेयी से ये कहा था कि ये तो एक दिखावा है, रिव्यू आपकी तो संविधान बन चुका है, तो कहीं बीजेपी के सदस्य उस वक्त भी और कहा है, मैंने कहा कि जो मेरे पास आपकी संविधान की कॉपी है वो मैं कल हाउस में दाखिल करता हूँ। तो इनका संविधान बन चुका है, कॉपी अगर लोकसभा के सेक्रेटेरिएट में आप देखेंगे तो आपको उसको मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि इनका संविधान बन चुका है, इनको जो लिया है वो लिया चुके हैं, ये सिर्फ राज्यसभा की मेजॉरिटी के लिए बचे हुए हैं। जिस दिन राज्यसभा में इनकी मेजॉरिटी हो जाएगी ये संविधान।
ये प्रकाश अंबेडकर कह रहे हैं कि जैसे ही राज्यसभा में उनका समर्थन हुआ वो संविधान बदल देगी बीजेपी की सरकार, सही है, इसलिए तो वो कह रहे हैं 2022 तक रुकिए। तो क्या ये जो इनके अलायंस में जो इतने बड़े लोग हैं और रामविलास पासवान है, उपेंद्र कुशवाहा हैं, अनुप्रिया पटेल है, जो लोग लगातार बहुजन आंदोलन की बात कर रहे हैं, क्या इन लोग को भनक नहीं, आपको लगता है इन लोग को भनक नहीं इस बात की? ये भनक होना ना होना ये अलग बात है, राजनीति में चरित्र होना ये सबसे बड़ी बात है। आपके पास चरित्र नहीं है तो आप ब्लैकमेल हो सकते हैं, आपके मन की इच्छा के विरुद्ध भी ब्लैकमेल हो सकते हैं। आप देखिए गुजरात में हम लोग ने सबने ये बयान दिया था और वो भी तीन तीन चार चार महीने पहले, ये जो बीजेपी और नरेंद्र मोदी की जो इनविंसिबिलिटी आई है इसको तोड़ना है, लाभ किसको हो उसका कोई मतलब नहीं है। लाभ जिस पार्टी को हो वो हमसे पूछे या ना पूछे उससे भी कोई मतलब नहीं है। ये फैसला होने के बाद भी बीएसपी उतरी है, अब पब्लिकली जानकारी है कि बीएसपी के नेता जो है, बीएसपी के कार्यकर्ता जो है, बीएसपी के नेता के भाई उनकी क्या है इंक्वायरी है। तो बहुजन लीडरशिप तो कहीं से है दिख नहीं रही है प्रकाश जी, तो क्या आज जो बहुजन समाज के पास क्या विकल्प है, कांग्रेस बीजेपी, बीजेपी कांग्रेस या फिर लेफ्ट, तीनों की लीडरशिप तो जनरल कैटेगरी के लोग के पास है। लीडरशिप की बात लेकिन लीडरशिप जनरल कैटेगरी मैं उसमें कोई इतराज नहीं करता हूँ, लेकिन जो लीडरशिप है वो सेक्युलर है या नहीं है एक बात, दूसरी बात वो लीडरशिप इस संविधान को मानती है। कांग्रेस 70 राहुल गांधी 70 मंदिर में जाते हैं बाहर, कैसे लोग उनको सेकुलर मान लें, और ये सॉफ्ट सेकुलर और हार्ड हिंदू, तो ये लगता है कि ये अब जो बहुजन समाज नया युवा है वो इसको समझने नहीं लगता। देखिए सवाल ऐसा है कि ये जो नई टर्मिनोलॉजी आ गई है सोनिया गांधी जो दिया है कि वी आर सॉफ्ट हिंदू, मैं ये कहूँगा कि सोनिया गांधी की जो बैकग्राउंड है वो सोनिया गांधी की बैकग्राउंड छूट कहने से उसे मना करती है, इसलिए उसने सही बोल दिया कांग्रेस को हिंदुत्ववादी का हथियार लेके चलती है। और लेकिन इनमें और आरएसएस में क्या फ़र्क है, तो हम सॉफ्ट है वो हार्ड है, लेकिन इस बात सॉफ्ट और हार्ड की बात नहीं, बात यह है कि संविधान ये कहता है कि देश को कोई धर्म, इंसान जो है वो चाहे कोई भी धर्म माने, इनकी सॉफ्ट और हार्ड की लाइन मद्देनजर रखते हुए यही हुआ है कि देश को धर्म की जरूरत है जो आरएसएस की लाइन। तो बहुजन समाज किसको चुने, कांग्रेस भी वही कह रही है, बीजेपी भी वही कह रही है, तो बहुत काम ऑप्शंस है ये मैं जानता हूँ बहुजन समाज के लिए, क्योंकि बहुजन समाज को संविधान ही बचा पाएगा ये वो जानते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से कर्नाटक के इलेक्शन के बाद इसी बहुजन समाज के पास विकल्प खड़ा होगा ऐसा। आप लोग की तरफ देश देख रहा है, आप उस पीढ़ी से आते हैं, उस परिवार से भी आते हैं, पारिवारिक विरासत भी है, सामाजिक आंदोलन का समय भी है, आप लोग एक नई लीडरशिप की तरफ क्यों नहीं बढ़ रहे? देखिए हम लोग को नई लीडरशिप होगा, देखिए जो लीडरशिप हम लोग के साथ में थी वो बीजेपी के साथ थी, आज जो है वो किसी भी राज्य में लीडरशिप नहीं है। हम लोग जो है वो इस आंदोलन के माध्यम से 26 फरवरी का जो आंदोलन है उस आंदोलन के माध्यम से हम लोग एक नई लीडरशिप जो है बनने की बात है। और मैं लोगों से ये कहूँगा कि इस नई लीडरशिप को आप मौका दें, कोई पार्टी खड़ी पार्टी बनाएंगे, नई पार्टी बना सकते जिसमें युवाओं की भागीदारी होगी, चाहे वो अच्छे से खराब हो जितने से हों, आप खुद उसको लीड करें, इस तरह की कोई योजना है? देखिए मैंने जैसे कहा कि जो कोई ऑल्टरनेटिव बनाना है वो ऑल्टरनेटिव की चर्चा और बात जो है वो कर्नाटक के इलेक्शन के बाद ही होगी। उसी में आपको लगता है कि कोई कॉन्स्पिरेसी है कि एक शेड्यूल कास्ट के आदमी को राष्ट्रपति बना दो, संविधान बदल दो ताकि आज भी नया और संविधान बदल दे? देखिए 2022 को मैंने जैसे कहा ये नहीं, आरएसएस वाले जो प्रचार कर रहे कि 2022 के बाद हमारी दिवाली है, तो कोई समझ नहीं रहा कि ये दिवाली की क्या बात है। दिवाली इसलिए है क्योंकि राज्यसभा में 2022 में इनकी मेजॉरिटी हो जाएगी, मतलब आज की परिस्थिति जैसे तरीके से, और 2022 में अगर उनकी मेजॉरिटी होती है तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट संविधान बदल सकता है,
तो इनकी साजिश तो वही है कि लोकसभा में दोबारा मेजॉरिटी दिया और राज्यसभा में राज्यों से अपनी मेजॉरिटी दिया। इसलिए बीच में मोदी ने जो स्टेटमेंट दिया है कि कांग्रेस से एक स्टेट हमारे पास ज़्यादा है, देखिए हम लोग जो वाक्य होता है, सेंटेंस होता है, उसके बीच में पढ़ने की कभी कोशिश नहीं। उसने यही कहा कि 19 राज्य हमारे पास आए, 2 राज्य खाली बाकी है, 2 राज्य और आ गए तो हमारी राज्यसभा में मेजॉरिटी हो गई, तो मेजॉरिटी हो गई तो हमको संविधान बदलने का अधिकार होगा। आप यही हम लोगों से कह रहे हैं कि पुरानी लीडरशिप जो है अपने समय में अच्छी थी, परिस्थिति बदल चुकी है, नए लीडरशिप को आप आगे और उनको क्या लग रहा है कि इसी कड़ी में आप जोड़ के देखते हैं कि भागवत कह रहे हैं कि हमने अपनी सेना भी बना ली, मतलब 3 दिन में हमारी सेना तैयार हो जाएगी, तो क्या वो पैरेलल एक मिलिट्री चलाएंगे? या आपने कहा भी गंभीर सवाल उठाया कि मुसलमानों पर हमला करेंगे। देखिए दो चीज़ें हैं इसमें, मैंने पिछली विजयादशमी के दिन इनकी पूजा कैसी होती है प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेके लोगों को आगाह करने की कोशिश की। मोहन भागवत आरएसएस के जो लोग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो, वो दोनों ऐसे वेपन्स की पूजा करते समय दिखाए गए हैं कि जो पुलिस डिपार्टमेंट तक भी नहीं, मतलब डीजीपी नहीं रख सकते, पुलिस डिपार्टमेंट में डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ये सबसे हाईएस्ट पोस्ट है, वो भी नहीं रख सकता वो। दूसरी बात, उसमें ऐसी कोई वेपन्स थे कि जो बीएसएफ भी नहीं इस्तेमाल कर सकता, सिर्फ मिलिट्री ही इस्तेमाल कर सकता। अब ऐसे वेपन्स अगर इनके पास, मोहन भागवत जी ने कहा कि हमारी आर्मी 3 दिन में खड़ी हो सकती है, वो सही है क्योंकि उस वेपन के माध्यम से उन्हें ट्रेनिंग दी होगी। तो क्या लगता है ये 15%